नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार ब्रेकिंग न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। उससे पहले आप किस जिले से खबरें देख रहे हैं कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों के विस्तार से। पीएम मोदी और अमित शाह पर नीतीश के बयान से गरमाई बीजेपी का। सीएम डर से नहीं लड़ते चुनाव, पूछा क्या जेपी फांसीवादी थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह के बयान पर तंज भारी प्रतिक्रिया दी। अब इस पर बीजेपी ने भी बड़ा पलटवार किया है। बीजेपी ने नीतीश को राजनीतिक परजीवी तथा जेडीयू की राजनीतिक गिरोह बताया है। क्या आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे शिव चंद्र राम। चर्चे में अब्दुल बारी सिद्दीकी का भी नाम। जगनारायण सिंह के इस्तीफा के बाद आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई नाम चर्चे में। अभी तक रेस में सबसे आगे अब्दुल बारी सिद्दीकी चल रहे थे, अब शिव चंद्र राम का नाम भी आगे आया है। पटना भागलपुर में महंगा तो गया, मुजफ्फरपुर में सस्ता हुआ तेल, डीजल के बराबर सीएनजी। बिहार के पटना और भागलपुर सहित कई जगह पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए हैं, तो गया और मुजफ्फरपुर समेत कई जगह दाम में गिरावट दर्ज की गई है। भोजपुर, औरंगाबाद, सारण और शिवहर आदि कुछ जिले में कीमतें स्थिर हैं। लालू प्रसाद यादव पहुंचे सिंगापुर, सामने आया एयरपोर्ट का ये वीडियो। रोहिणी आचार्य ने ऐसे किया स्वागत। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर गए हैं। सिंगापुर में उनका स्वागत रोहिणी आचार्य ने किया। उनके साथ बड़ी बेटी मीसा भारती और पत्नी राबड़ी देवी सिंगापुर गई है। बिहार में डेंगू के कहर पर बीजेपी जेडीयू में तत्करार। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा विजय सिन्हा दिमाग का इलाज कराएं। पूरे बिहार में डेंगू तेजी से अपना पांव पसार रहा है। राजधानी पटना में मरीजों की संख्या 2000 के पार हो गई है। पटना के सभी इलाकों में डेंगू के मरीज मिलने से सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। राजधानी के अलावा राज्य के सभी जिले में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि मरीजों की संख्या अन्य जिले से भी बढ़ गई है। मरीज को इलाज के लिए अस्पतालों में जाँच किट की कमी है और बेड भी पर्याप्त नहीं है। दीपावली छठ से पहले बिहार में बाढ़ का खतरा। गंगा, कोसी, घाघरा, कमला बलान सब खतरे पर। पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने मांगी केस डायरी। बिहार के बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी, रोजगार के लिए 10 लाख रुपए दे रही सरकार। बिहार में बेरोजगारी का एक बहुत ही बड़ी समस्या, ऐसे में अब बिहार सरकार पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। रोजगार या स्टाफों की चाह रखने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए राज्य सरकार बिहार उद्यमी योजना चल रही है। इसके तहत युवाओं को रोजगार के लिए सरकार 10 लाख रुपए दे रही है। इसमें 50% की डायरेक्ट सब्सिडी मिलेगी, यानी सरकार की तरफ से सब्सिडी के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिहार में सर्वे के बाद पकड़ी 11.54 करोड़ टैक्स की गड़बड़ी, 3.28 करोड़ जमा कराया। जाति जनगणना प्रक्रिया और क्रियान्वयन के लिए तैयारी चल रही है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आधिकारिक घोषणा होगी। 1 नवंबर से जनगणना कार्य आरंभ हो जाएगा। बेगूसराय में जज के सामने पेश हुआ 5 करोड़ का सांप। दमुआ सांप की इंटरनेशनल मार्केट में है डिमांड, जज ने वन विभाग को सौंपा। आपने अक्सर न्यायालयों में बेगुनाह और न्याय और कसूरवालों को साजा सुनते सुना होगा, ऐसे शायद पहली बार बेगूसराय में जज के सामने एक दुर्लभ प्रजाति के दमुआ सांप को पेश किया गया। सुनवाई के बाद सांप को नई जिंदगी देने का फैसला सुनाया गया। पूरा मामला बेगूसराय व्यवहार न्याय में स्थित जिला विविध सेवा प्राधिकारी से जुड़ा है। पटना में एक दिन के लिए भूख हड़ताल पर रेल कर्मी, नए पेंशन स्कीम हटाने और ड्यूटी रोस्टर को सुधार सहित 16 मांगों को लेकर प्लेटफॉर्म पर दिया धरना। पीठ दिखाकर भागने वाली पुलिस टीम सस्पेंड, सीतामढ़ी में डकैती को पकड़ने गई है, भारी पड़े तो भाग खड़े हुए। धान में अगले महीने से होगी धान की खरीदी, सरकार ने तय की कीमत। 8,500 पैक्स तैयारी में जुटे, बिहार में धान खरीद की तैयारी में जुटी सरकार। अगले महीने शुरू हो जाएगी धान की खरीद, इस बार पैक्स के जरिए 45 लाख टन धान खरीदारी का है लक्ष्य। 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर होगी धान की खरीद। पुलिस बस से टकराई बाइक, ईंधन टैंक में विस्फोट से 3 की मौत। सड़क हादसा सारण जिले के रेलवेगंज थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 531 पर देवरिया गांव के पास हुआ हादसा इतना जबरदस्त था कि मोटरसाइकिल बस के नीचे फंस गई और उससे विस्फोट हो गया।